हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राजी मोम। और गाइज, आप कैसे हैं जरूर कमेंट करके बताना। और आप सभी के लिए मैं दुआ करती हूँ कि आप जैसे भी होंगे अपने घर में, ऑफिस में, कहीं भी, और आप बहुत अच्छे, मतलब सेफली रखे आपको भगवान जी। और गाइज, दिन के 1 बज चुका है। 2 दिन से मैंने कुछ भी काम नहीं किया था, मतलब काम तो किया था पर मतलब ब्लॉग नहीं बनाया, और क्योंकि मेरे को रात रात को बुखार हो जाता था, दिन में भी इतनी गर्मी लगती थी गाइस बहुत ज़्यादा। और अभी मैंने घर का काम, मतलब साफ़ सफाई है, किचन की साफ़ सफाई, और ब्लर जैसा हो जाता है मेरा कैमरा, अपनी क्या दिक्कत होती है मेरे फ़ोन में। और गाइस, मेरी फ्रेंड ने मुझे ये साग की सब्जी है ये भेजी थी, ये वाली, तो हमारे इसको चलाई भी बोलते हैं, बाथू भी बोलते हैं, गर्म होती है इसकी सब्जी। पर मेरा मन हो रहा था मैं साग खाऊं, तो मैंने ये अभी यहाँ रख दी है। अभी मैं इसको मतलब काटूंगी और फिर इसकी सब्जी बनाऊंगी। और मैंने थोड़े से कपड़े भी धोए हैं, और टाइम का पता नहीं लगता जब हम बिजी रहते हैं काम करते करते। और गाइस, मैंने किचन भी एंड साफ सफाई कर दी है, चमक दिख नहीं रहा क्या हुआ। किचन को भी मैंने अच्छी तरह से साफ कर दिया है। और ये गाइस, इसमें मैदा रखा हुआ है और इसमें ऑयल लग गया था सरसों का ऑयल, तो मैंने ऐसे ही इसको रखा हुआ ऐसे करके। और ये मेरी नमक डाली, ये भी थोड़ा साफ़ करने को हुई भी। तो गाइस, मैंने ये खुद बनाया था ये बॉक्स, ये मैंने भी साफ़ किया था। ये मैंने 1 साल हो गया इसको बनाए थे, ये मैंने खुद बनाया था नेल पेंट करके। ये जैसे तेल की बोतल होती है तो उसको काट के मैंने ये खुद बनाया था, और ऐसे सामान रखने के लिए आराम से हम इसमें ऐसे सामान रख सकते हैं जो भी हमारे को चीज़ चाहिए होगी ऐसे करके। और इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा सामान था, ये मैंने साइड में निकाल दिया है। और ये चॉपर का ब्लेड है साइड में रखा हुआ, तो गाइस मैं इसको यहाँ रख लेती हूँ। और अभी कपड़े भी धोए वो निकाल लेती हूँ मशीन से। और मैंने किचन अपनी ऐसे चमका के रखी हुई है। राजीव को खांसी हुई भी, इसकी तबीयत नहीं है ठीक, तो मैं अब इसको फुला देती हूँ खांसी की दवाई। पकड़ दो बेटा, ये पकड़ चम्मच, खोल ढक्कन। कर चम्मच, हाँ कर। कड़वी है? कड़वी नहीं है, अच्छी है ना। अब मैं इसमें डाल दूंगी, मतलब ऐसे पौना पौना सा गिलास डाल दूंगी इसमें पानी का, और अब गैस ऑन कर देती हूँ। यहाँ पे इतने सारे कपड़े धोए हुए, ड्रेस भी धो दी इसकी राजीव की, और फिर जो यहाँ मैं मैट बिछाती हूँ वो भी मैंने धोया हुआ, वो बाहर डाला हुआ सूखने के लिए दूसरी साइड को। और बेड मैंने ऐसा रखा हुआ है अपना, और यहाँ मैंने अभी साग काटा था, और ये पूरा था, अभी मैं और काम करूँगी यहाँ पे। और डाल दिया मैंने वहाँ पे साग पकने के लिए। और कौन सी गेम खेल रहा है बताइयो, बताइयो
क्या नाम है इस गेम का? है साग पककर थोड़ा सी हुआ है और मैं इसमें को लगता है इसमें मेरे को आलू डालना पड़ेगा और अजीब को भूख लगी हुई, मैं जल्दी जल्दी से इसके लिए लंच तैयार कर देती हूँ। ये देखो इतना सा हुआ बनकर और मैं आलू डाल देती हूँ फिर ठीक रहेगा। जो महिलाएं पंजाब हरियाणा यूपी बिहार और मतलब ऐसे इलाके से है, दिल्ली से है, जो भी है, ऐसी महिलाएं हैं जो गर्म इलाके से हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा तापमान गर्म रहता है, उनको तो मैं सलूट बोल करती हूँ। क्योंकि देखो हम हिमाचल में है रहते हैं, ठंडा मौसम होता है यहाँ, फिर भी इतनी गर्मी हुई भी, इतनी गर्मी हुई भी कि मेरे को तो बर्दाश्त नहीं होती। और मैं फिर भी किचन में जब खाना बनाती हूँ तो मेरा बर्दाश्त नहीं होती, गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और वहाँ तो क्या बोलूँ उन महिलाओं की क्या स्थिति होती होगी, कैसे अपने परिवार के लिए खाना बनाते हैं। और मेरे से इतना मतलब एक दो मेंबर के लिए खाना बनाती हूँ तभी मेरी वैसी तैसी भीड़ फिर जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं। और उनको उन महिलाओं को क्या बोलूँ मैं बेचारे, जिनके इतनी फैमिली संभालते, सास ससुर बच्चे जुजेराणी जेठानियाँ मतलब सबके साथ, और उस जो छोटी छोटी बहू होगी ना उसको तो कितने मुसीबत पड़ती होगी। मैं तो सलूट करती हूँ महिलाओं को। और गाइस अभी मैं सब्जी बना रही हूँ और है सांस फूल जाता है। और गाइस ऐसे ही प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। मैंने डाल दिया इसमें सरसों का तेल और अब मैं इसमें डाल दूंगी लहसुन और धनिया जो मैंने कुटा हुआ था पीस के। अब जब ये लहसुन और धनिया ब्राउन हो चुका है तो अब इसमें डाल दूंगी प्याज। सबसे पहले मैंने इसमें इस डब्बी में धनिया डाल दिया है और अब इसमें नमक डाल दूंगी और ये धनिया डाल दूंगी, ये हल्दी थोड़ी और ये देखी मिर्च और ये हींग, ये हींग तो मैं इसमें ही डाल दूंगी। और ये किचन किंग सब मसाले मैंने मिक्स कर दिए हैं। अब डाल दूंगी फ्राई किया हुआ था लेकिन और हल्की टीवी की बन चुकी है मसाला और बन चुकी। देखो ये मसाला पक के ऐसा हो चुका है और अब इसमें जो मैंने साग बनाया था उसको डाल दूंगी ऐसे और ये आलू भी इसी के। आपको दोनों चीज़ें मिक्स करके डालनी है, अलग अलग नहीं डालनी। अब इसको 10 मिनट के लिए और पकने देते हैं और ढक्कन नहीं लगाना इसमें बिल्कुल नहीं, नहीं तो पानी निकल जाएगा इसके अंदर जो सब्जी में पानी होता है। और ऐसे ही इसको 10 मिनट के लिए पकने देते हैं, रखना है 10 मिनट के लिए तड़का लगाने के बाद। अभी देखो कितना पसीना आ चुका है और बहुत थकावट हो चुकी है और ज़्यादा काम मैं करती हूँ ना, जब खड़े खड़े लगे रहती है, उधर काम करना उधर काम करना चलती रहती है उधर से उधर, बहुत थकावट हो जाती है और बाद में मेरे ना बहुत दर्द हो जाती है यहाँ पे पेट में और साइड में बहुत दर्द हो जाती है, पथरी की हो जाती है।
और जितने भी होता है मेरे से काम में लगी रहती हर टाइम। और गाइज प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और गाइज मेरी शॉर्ट वीडियो है उसको भी आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, उनको भी आप प्लीज़ वॉच कीजिएगा। और बस थैंक यू सो मच आप सभी का। गाइज मैं अभी ना आटा गूंद रही हूँ और अभी चपाती बनानी है। ये देखना हाथ, ये हमारा साग बन चुका है, ये सलाद है, ये चटनी है, ये दही है, ये मैंगो है, ये राजीव के लिए साग की सब्जी है और चपाती भी इसने बनाई है। कितने अच्छी अच्छी चपाती बनाई हुई, कितने प्यारी प्यारी चपाती बनाई हुई इसने, कितनी प्यारी प्यारी चपाती बनाई। घी लेना था ना, ले घी ले ले, लेती हूँ चलो घी। ले फिर मेरे को पता भी नहीं इसके बारे में ना, रजू मैं खाती भी नहीं हूँ ना भाई। अब तेरे को खांसी के ऊपर तेरे को ठीक लगना या कि नहीं लगना, ले बाकी कोई चीज़ नहीं खाएगा तू, ना दही खाएगा ना कुछ नहीं, क्योंकि खांसी ये तबीयत ख़राब हो जाएगी तेरी। फ्रेंड्स मैं यहाँ बात कर रही थी कि घर के खाने की सबसे अलग बात होती है अगर घर का खाना मिल जाए। और आप सभी के लिए मैं यहाँ पे बता रही थी कि ये चटनी भी बनाई हुई मैंने, और ऐसे ही मैं बात कर रही थी। फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना और सब्सक्राइब करना। और मैं आपको बुर्की दे रही थी खाने के लिए और मैंगो भी दे रही थी खाने के लिए।